वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजेंद्र इंद्र सिंह अकेडमी पर। दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। मध्य प्रदेश स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा से रिलेटेड ये न्यूज़ है। बिल्कुल दोस्तों, NHM MP के द्वारा स्टाफ नर्स के पदों पर 2,870 पदों पर होने वाली है भर्ती। आवेदन प्रक्रिया है जो शुरू होने वाली है और कब शुरू होने वाली है वो भी बताएंगे। और बहुत ही बड़ी ये खुशखबरी है दोस्तों, इसका एग्ज़ाम होगा, कब तक एग्ज़ाम हो सकता है उसकी संभावित जो है अपन तिथि भी बताने की आपको कोशिश करेंगे। साथ में ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हो तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि ये चैनल आपको इस भर्ती के अंदर सलेक्शन करवा के मानेगा। तो चलिए बात करते हैं इस भर्ती से रिलेटेड अपडेट की। तो दोस्तों NHM MP स्टाफ नर्स के 2,870 पदों पर आवेदन आमंत्रित। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश ने स्टाफ नर्स पुरुष और महिला के पदों पर आवेदन मांगे हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 12वीं पास हो और BSc या जनरल नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए। तो दोस्तों इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन ये रहेगा इसके अंदर कि उनकी जो 12वीं क्लास में है वो बायोलॉजी से होनी चाहिए, इसके अलावा उनकी BSc नर्सिंग होनी चाहिए या फिर वो GNM उनकी कंप्लीट होनी चाहिए, तभी इस भर्ती के अंदर आप एग्ज़ाम दे सकते हो। इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने मेंशन की है कि MP नर्सिंग काउंसलिंग में पंजीकृत हो, कि रजिस्ट्रेशन MP का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं, आवेदक की जो आयु है वो 21 वर्ष से लेकर 43 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ये इनका आवेदन आयु का क्राइटेरिया है। सभी पद अनुबंध के आधार पर हैं। अभ्यर्थियों का चयन लिखित और मूल दस्तावेज के सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि एग्ज़ाम होगा इसका, एग्ज़ाम के थ्रू आपको ये लेंगे, बट इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान ना दें कि ये अनुबंध होगा, परमानेंट कर दिया जाता है। दोस्तों आपको बता देता हूँ, संविदा पर भर्ती आती है लेकिन उनको परमानेंट कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आपके लिए कि इसके अंदर आप GNM के हो या BSc नर्सिंग के हो, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं और आपके पास जो है MP का नर्सिंग का काउंसलिंग होना चाहिए। अभी तक ये मेंशन नहीं किया इन्होंने कि आवेदन करते टाइम होना चाहिए या नहीं, बाकी ऐसा होता है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब अपने पास MP का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। 4 जुलाई अंतिम तिथि, बिल्कुल अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट nhmmp.gov.in पर 4 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। 4 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। इन पदों पर किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं देना होगा दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आवेदन शुल्क नहीं है। आवेदन प्रक्रिया 13 जून से शुरू होगी। विस्तृत जानकारी के लिए नोटिफिकेशन पढ़ें। तो दोस्तों अभी एक छोटी सी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, मैं वापस लौट कर आऊँगा कल और इसका कंप्लीट डिटेल के साथ आपको NHM MP की साइट पर जाकर इसकी कंप्लीट जो नोटिफिकेशन है उसके साथ आऊँगा, आपको मैं बताऊँगा कब इसका एग्ज़ाम होगा, कब जो है कब तक इसकी लास्ट डेट है, कब फॉर्म भरे जाएंगे, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। सारी जो डिटेल है रजिस्ट्रेशन कब होना चाहिए MP का, वो सारी डिटेल कल एक वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करूंगा और इसके लिए एक सुपर प्लान भी मैं लेकर आऊंगा। दोस्तों अगर आप MP स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आज ही ज्वाइन कर लीजिए राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी। बिल्कुल दोस्तों आपकी शानदार लेवल का कंटेंट आपको मिलेगा और आपकी प्रिपरेशन भी शानदार लेवल की हो जाएगी। सब्सक्राइब करें राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी को, और दोस्तों जल्द ही आप सभी के लिए स्टाफ नर्स के पदों के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी जाएगी। MP स्टाफ नर्स के लिए भी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो जाएगी दोस्तों, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जैसे ही इससे रिलेटेड हम आपको अपडेट देंगे हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, आप सभी तक वो वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। उसके लिए सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।